वेलकम बैक हरिद्वार इधर हम रेडूम या नेस्ट करने के लिए ट्रेन हमारी रात को 11 बजे के आसपास दिल्ली से अब रात को जाएंगे इधर दिल्ली मिलते हैं दिल्ली स्टेशन। तो गाइस हमारा प्लान चेंज हो गया है। पहले हमारी ट्रेन थी 10 बजे की, अभी हम जाने वाले हैं सुबह 3 बजे वाली ट्रेन में। इधर हम बाईपास पर टेरेस पर बैठे हैं, देखो आप व्यू बाईपास कर रहे हैं। इधर 3 बजे जाएंगे दिल्ली, ट्रेन पकड़ के जा रही है, मिलते हैं आपको दिल्ली स्टेशन। फाइनली गाइस हम निजामुद्दीन आ चुके हैं, राजगढ़ से मेट्रो में बैठे थे, अभी हम निजामुद्दीन उतरे हैं, अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं निजामुद्दीन स्टेशन पे। मुंबई दोस्तों, इधर हमें मिल गया हमारे पार्टनर, मिलते हैं गाइस। कंफ्यूज हो रहे हैं, बस में जाए ट्रेन में जाए, ट्रेन है हमारी 2:35 की, तो बस में जाएंगे तो मेट्रो बंद हो गई है, अब पता नहीं कैसे जाएंगे। अब फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने, अभी कंफ्यूज है ट्रेन से जाए बस से जाए, भाई बता दी मैंने। तो फिलहाल अब खाना खाने जा रहे हैं, बाद की बात देखेंगे, खाने दो पहले। गाइस बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अब हम रेलवे स्टेशन छोड़ के बस स्टैंड पे आए थे, लेकिन यहाँ पे भी इतनी भीड़ है, देखो बस का कोई नामो निशान नहीं है। रात के कितने बजे भाई, रात के 1:40 हो चुके हैं, ठिकाना नहीं है। रेलवे स्टेशन जाए तो रेल नहीं है, इधर आए तो बस नहीं है, पता नहीं हम क्या करेंगे, बोले बाबा कोई रास्ता निकालो। फाइनली गाइस बस मिल गई है, 1800 रुपए की बस खाली है, बस भरेगी जब हम चलेगी, पता नहीं कितने बजे चलेगी, 2:30 बजे है गाइस, पता नहीं किस टाइम चलेगी, 2:50 अंदर जाएगी, मट्टी कलर पानी वो भी फाइनली गाइस बस मिल गई है, बस चूंकि मैंने बुक करवा दी है, हमारी एक बंदे की टिकट पड़ी है 1800 रुपए की। पावर ऑफ, पावर ऑफ। गाइस ने बस दुआई दी थी, गाइस 3 बज गए हैं, इतनी बस नहीं मिली है। यो खड़े दिल्ली बस स्टैंड, फाइनली गाइस बस मिल गई है, टाइम हो गया 4 बजे, 4 बजे बस मिली है, मिली तो बस एक फाइनली बोले बाबा की दया की बस मिली, दिखाता हूँ आपको बस कैसे मिली है। सी गाइस देखो कस्मादा रहे थे, अभी सोएंगे आराम से। पूरी बस मोटर में आती है, जल बोला बाबा देते नोट छप्पड़ की मर्जी। हम बोले दोस्तों, हम बोले दोस्तों पूरी रात के चल रहे हैं, हम चले थे 4 बजे और कितने बजे हुए थे इन्हें, टाइम हो गया भाई 9:11 हो गए जब के चले पड़े हैं, बस एक नंबर की मिल रही है, बस में कोई कमी नहीं है, ये हमारी बस है, आराम से फुल एसी बस है। हमारा मूड चेंज हो गया, हम हरिद्वार में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब बस जा रही थी मसूरी, अभी जाएंगे बस देहरादून, देहरादून जाएंगे मसूरी, वहां जाएंगे मसूरी, आगे का आपको दिखाते हैं। गाइस देहरादून उतर चुके हैं हम, देहरादून से अब बस में जाएंगे मसूरी, मसूरी यहाँ से है कुछ 30-40 किलोमीटर, एक नंबर का वेदर है, एक नंबर अभी हो दोस्तों स्वाद आ रहा है जिंदगी के। देहरादून से भी वाणी की भाई, हम अभी देहरादून से मंसूरी के लिए निकल रहे हैं, मिलते हैं आपको।
गाइस मसूरी के टॉप पर आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको इधर का व्यू। अभी उतरे यहाँ पर, ये देखिए गाइस हरिद्वार में तो बर्फ। गाइस हम अभी आए हैं मसूरी से, मसूरी से आए हैं अभी शस्त्रधारा पे, देखिए कैसे आ रहे हैं। ये आप जाएगा, मैं भी जाता हूँ गाइस नहाने, मिलते हैं नहाने के बाद। तो फाइनली गाइस नहा चुके हैं, अब निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, मिलते हैं आपको ऋषिकेश। गाइस शस्त्रधारा से हम नहा के आराम से रेडी हो गए, आ चुके हैं हम देहरादून जंक्शन पे, अब यहाँ से ट्रेन लेंगे, यहाँ से जाएंगे हम ऋषिकेश। ऋषिकेश जाके आपको दिखाते हैं नजारा, ऋषिकेश जाएंगे हरिद्वार। ये देखो कैसे भाग रहे हैं भाई, ट्रेन निकलने वाली गाइस, ट्रेन छूटने वाली गाइस, भागो। ट्रेन छूटने वाले गाइस, भाग रहे हैं। तो गाइस जैसे ही भागते आए हम, अभी ट्रेन को चले में 5-7 मिनट है, बैठे हैं अभी। ये देखो ये खड़ी हुई ट्रेन, गाइस फाइनली हमें ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल चुकी है। पहाड़ों का दृश्य है, ट्रेन के लिए भागे थे और ट्रेन लेट हो गई है, 7:30 पे चलिए, 7:05 का टाइम था, हम जो लेट हो गए तो भागे गए और ट्रेन ही लेट। दो रात हो चुकी है अब तक नहीं सोए, आज रात देखते हैं सोने का प्रोग्राम बनाएंगे, देखते हैं उधर ऋषिकेश जाम के। अगर पहले जाते ही रूम लेके खाना खुना खा के आराम से नींद पूरी करेंगे पहले, फिर कल एक दिन ऋषिकेश घूमेंगे, फिर जाएंगे हरिद्वार, फिर आगे का प्लान देखते हैं क्या रहेगा। गाइस फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं एंड इट्स टाइम 11:05 और स्मित भाई का फोन खो गया है। फाइनली रूम मिल गया गाइस, अब कहेंगे और सुबह जाएंगे नीलकंठ पे, तो मिलते हैं आपको सुबह, गुड नाइट। ओह गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं। सो कल रात को हम आए थे ऋषिकेश, आज इधर हमने रूम लिया था, इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइस तो हम अभी रूम से फ्रेश होके निकल चुके हैं, अभी हम जाएंगे नीलकंठ पे। नीलकंठ से पहले कुछ खाना खाने जाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस सीधा उठे नहाए और चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको ऊपर नीलकंठ पे। तो गाइस हम ऋषिकेश के अभी गंगा किनारे पे आए हैं, इधर नीलकंठ पे जाने के लिए भरेंगे गंगाजल और चलते हैं सीधे ऊपर। जय हर 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 गंगे। सो फाइनली गाइस नीलकंठ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, गंगाजल लेके चल पड़े हम, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर कराते आपको दर्शन नीलकंठ के। जय महाकाल। बड़े भाई नीलकंठ की ओर भाई, पसीने हो रही है, ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया अभी, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, कहाँ चढ़ गए। गाइस नीलकंठ पर चढ़ते चढ़ते बारिश आ गई, मस्त मौसम बन गया, मजे से जाएंगे। बोलो शिव शंकर महाराज की, बोले रे तेरी बम बम बम, बोले पार्वती के संग संग संग, बोले चेला बना लेना, ओ बोले चेला बना लेना।
कर चुके हैं हमारी तरफ से। बाकी किसी से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत दूर है, बहुत दूर है, 10 किलोमीटर चल पड़े, पता नहीं कब पहुँचेंगे। ये देखो पैकिंग देखो सर, गाइस का भी एकदम बाहर हो रही है तरफ से। ओ नीलकंठ से अभी पैदल पैदल नीचे आ रहे हैं। अभी तो आधे रास्ते ही नहीं, उधर से स्टार्ट किया था, चलूंगा चल रहे पैदल पैदल। नीलकंठ से उतरते हुए हमें अभी एक दोस्त मिला है जो तब से हमारे साथ है, दिखाता हूँ। ये रहा मेरा दोस्त। ओए टॉमी आ जा, ये देखो ये आ गया। अब देखो भागो, मेरे साथ भागेगा। चल टॉमी आ जा चल आ जा। बहुत प्यारा दोस्त है, मजा आ रहा है, टाइम पास करो रहे हैं। है ये चलो चलते हैं नीचे। गाइस क्या बताएं, मजा आया नीलकंठ के दर्शन करके। और बता भाई साहिल क्या बताएं, दोस्त तो ज्यादा आना था, एक दोस्त था उसके ज्यादा आने का प्लान था, वो आया नहीं, उसका गिफ्ट है इधर। नीलकंठ से 4 बजे उतरना स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो गया 9 बजे, 5 घंटे उधर थे, अभी आए हैं, अभी इधर गंगा में नहाएंगे और रूम पे जाएंगे, खाना खुना खा के रूम पे रेस्ट करके फिर जाएंगे कल हरिद्वार। पैर बहुत दुख रहे गाइस, यहाँ पे गंगा में जाके दर्शन लेंगे थोड़े, पूरी थकान दूर करके। फाइनली गाइस गंगा में से नहा के आ चुके हैं हम, अभी इधर होटल में आए हैं, खाना खाएंगे रूम पे जाएंगे। गैंग गाइस गैंग ऑर्डर कर रहा है भाई खाना। तो फाइनली गाइस ऋषिकेश से निकल चुके हैं, अब जाएंगे यहाँ से सीधा हरिद्वार, तो मिलते हैं आपको हरिद्वार पे। गाइस ऋषिकेश से निकल रहे हैं, निकलते हुए हमें यहाँ पे बाबा के दर्शन हुए, गंगा में हाथ पैर धो के अब जाएंगे सीधा हरिद्वार। अभी यहाँ से जाएंगे हम हरिद्वार। जय माँ का, जय बाबा जादू। तो गाइस अब हम ऋषिकेश जंक्शन पे आ गए हैं, इधर से हरिद्वार की ट्रेन लेंगे और हरिद्वार ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऋषिकेश जंक्शन, ये आ रही हमारी गैंग। ये देखो चल पड़ी है ट्रेन। गाइस थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके चल पड़े हम हर की बॉडी की तरफ, उससे पहले रूम देखेंगे, रूम पे थोड़ा रिलैक्स होंगे, फ्रेश होंगे, फिर हर की बॉडी में टुक्की लगाएंगे, तो मिलते हैं अभी एक रूम पे जाके। भीड़ वैसे मस्त है, जबरदस्त। Thank you.
हर की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं इधर के व्यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमें 2-3 दिन हो गए, नींद पूरी नहीं हो रही, कम से कम 2-3 घंटे सो रहे हैं। ये मैंने रेंट पे रूम लिया था, ये रूम देखो हमारे। हो चुकी है, दिखाते हैं हम आपको गंगा आरती। ये देखो गंगा आरती होते हुए, इधर बारिश हो गई, सारे भीग चुके हैं। आरती तो आगे दोस्तों, तो हम गंगा में अभी नहा के शिव बाबा के दर्शन करने आए हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए इधर भीड़, बोले रे तेरी बम बम बम, बोले पार्वती के संग संग संग, बोले। दिखाते हैं हम आपको गंगा का डैम, ये देखो। गंगा डैम सारा गाड़ी क्या रूम से अभी चेकआउट किया है, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। इधर से ट्रेन जल की बोतल ले चुके हैं, अभी इनको भरेंगे गंगा में यहाँ से, और फिर चलते हैं सीधे घर की तरफ। गाइस इधर हम गंगा किनारे आ चुके हैं बोतल भरने, ये सुमित भर रहा है इधर, भर के चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो गाइस अभी हम नेपाली फार्म पहुँचे हैं, करीब करीब 10-12 किलोमीटर है हरिद्वार से, पैदल पैदल आए हैं। इधर हमारी बस है, ये देखो वो बस खड़ी, इधर से सीधा जाएंगे गुड़गांव। ट्रेन हमारी निकल गई थी इसलिए बस का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ा, तो चलते हैं। फाइनली गाइस बहुत देर के बाद हमें इधर बस मिली है, इधर आके बैठे हैं, देखो एक सीट पे 3 दिन बैठे हैं, देखते हैं कब तक चलती है ये। थक गए गाइस, बहुत थक गए गाइस, आराम छाले पड़ेगी। तो चलती है तब बताते हैं आपको, तब तक के लिए बाय। सो फाइनली गाइस अभी बस चल चुके हैं, अभी टाइम हुआ है 1:13, देखते हैं कब तक पहुंचाते हैं हरिद्वार से। अभी चलिए 1:13 बजे हमें जाना है अभी गुड़गांव, और गुड़गांव से हमें फिर बस या ट्रेन से जाएंगे दादरी, तो देखते हैं कितने बजे चलती है। सो मिलते हैं आपको, देखते हैं कितने बजे चलते हैं। गुड नाइट तब तक के लिए, सो रहे हैं, बाय। गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं रोहतक बाईपास के पास, बस चली थी हमारी करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, और 7:30 बजे उसने हम रोहतक बाईपास उतार दिए हैं। ये देखो रोहतक का बाईपास, और ये खड़े अभी कोई विकला वेट कर रहे हैं, कोई आए तो उसमें जाए हम घर तक, देखते हैं कोई मिलता है नहीं।
फाइनली गाइस हम रोहतक बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। इधर हम पहुंचे हैं 8:47 पे, आए हैं कहीं से लिफ्ट लेते ऑटो में बैठते हुए। अब यहां से जाएंगे दादरी अपने घर। फाइनली गाइस हम वापस दादरी में आ चुके हैं, चल रहे हैं घर की तरफ पैदल पैदल। मिलते हैं आपको अभी घर पे। तो हम रोहतक से घर आ गए थे, आके हम सो गए थे क्योंकि बहुत थकान हो चुकी थी। अभी उठे हैं, उठ के नहा के फ्रेश होके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब लोग अच्छा लगा होगा। तो लोग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।